हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अन अकेडमी के लेट्स क्रैक नीट पीजी प्लेटफॉर्म पे। मैं डॉक्टर अंबुज मित्तल फिर से आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ। आज मैं आपको लीगल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ। मैं तो स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा बता देता हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर अंबुज मित्तल हूँ। मैं वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस का एलुमनाई रह चुका हूँ। एंड सून आफ्टर माई पास आउट मैं टीचिंग लाइन से जुड़ गया था और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी मंजिल तक पहुँचाया है। जैसे मैंने आपको बताया, आज मैं थोड़ा लीगल सिस्टम, लीगल प्रोसीजर या फिर कोर्ट ऑफ लॉ, ये सारे नाम है इसके, ये सारी चीज़ें के बारे में मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा अन अकेडमी के बारे में बताया तो अन अकेडमी भारत के टॉप एजुकेटर्स आपको नीट पीजी की प्रिपरेशन कराएंगे, गाइड करेंगे। डिफरेंट डिफरेंट एजुकेटर्स, डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग एजुकेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं जो अपनी फील्ड में एकदम टॉप हैं। ये एजुकेटर्स आपकी स्पेशल क्लासेस लेंगे। इन स्पेशल क्लासेस में आप जो है वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं। ये लाइव क्लासेस होती हैं, तो यहाँ से आपके जो डाउट्स हैं, डाउट क्लियरिंग सेशन यहाँ पे भी होते हैं। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आपको मॉक टेस्ट मिलते हैं। इन मॉक टेस्ट के थ्रू आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, प्रिपरेशन का इवेल्यूशन कर सकते हैं आप। यहाँ पे फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स हैं। इन फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स में अगर मैं एग्जांपल के तौर पे लूँ मैं इंटर्न्स का, तो इंटर्न्स के डेली अलग अलग दिन पे अलग अलग टाइमिंग होती है। तो ऐसे में इन स्टूडेंट्स को भी घबराने की कोई बात नहीं है, वो जब भी फ्री हो वो हमसे जुड़ सकते हैं। यहाँ पे लैंग्वेज प्रेफरेंस मिलती है। यहाँ पे इंग्लिश, हिंदी, मलयालम, तमिल और भी बहुत सारे लैंग्वेजेस में आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। यहाँ पे अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे क्विजेज हैं। इन क्विजेज के थ्रू आप अपनी नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था, स्पेशल क्लासेस के थ्रू आप वन टू वन इंटरेक्शन कर सकते हैं, आप एजुकेटर से साथ चैट कर सकते हैं, आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा रिमोट एरिया में भी रहते तो भी आपको घबराने की कोई बात नहीं है, आपको बस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए और आप हमसे जुड़ जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ लर्न एनी टाइम एनीवेयर। आपको बस करना ये है, आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप को इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको सब्सक्रिप्शन लेना है। सब्सक्रिप्शन के लिए भी आपको यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, जैसे 1 month, 3 month, 6 month, 12 month, 24 months। अगर मैं इनके चार्जेस की बात करूँ तो 1 month का जो चार्जेस हैं, अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं LIVEDRAM, तो तुरंत आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और जो 1 month का जो सब्सक्रिप्शन रहेगा, वो 10% का डिस्काउंट होने के बाद ये पड़ेगा आपको 4500 का। ऐसे में अगर 3 months की बात करूँ तो मेरा जो कोड है LIVEDRAM, तो ये अप्लाई करने के बाद आपको सिर्फ 11250 का पड़ेगा। ऐसे अगर मैं 6 month की बात करूँ तो ये आपको मेरा कोड यूज़ करने के बाद 18000 का पड़ेगा। अगर मैं 12 months की बात करूँ तो जैसा आप देख सकते हैं, मेरा कोड यूज़ करने के बाद ये आपको 22500 का पड़ेगा। ऐसे अगर मैं 24 months की बात करूँ तो 24 months के लिए आपको मेरा कोड जो है LIVEDRAM, ये यूज़ करने के बाद आपको पड़ेगा सिर्फ 27000 का सिर्फ। तो 2 साल के लिए काफ़ी अच्छे चार्जेस हैं, एक बार आप लेके देखिएगा, जरूर ट्राई जरूर करिएगा। तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। अपने अंदर एक गहरी सांस लीजिए और कहिए, यस आई कैन क्रैक इट, आई कैन क्रैक नीट पीजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया, लीगल प्रोसीजर्स के बारे में आज टॉपिक मैंने पूरा लिया है। मैंने आज दो वीडियो में दूंगा मैं आपको। पहली वीडियो में पूरी थ्योरी कवर कराऊंगा, सेकंड वीडियो में उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इसके अंदर, इस जो वीडियो है, इस वीडियो के अंदर मैं आपके जितने भी थ्योरी रिलेटेड एस्पेक्ट्स है मैं इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। तो चलिए, लीगल प्रोसीजर्स के अंदर जो पहला, जो सबसे पहला वर्ड जो हमें जानना चाहिए वो है इंक्वेस्ट। तो इंक्वेस्ट के बारे में यहाँ पे आपको बता देता हूँ। इंक्वेस्ट क्या होता है? तहकीकात करना। तो एन इंक्वेस्ट इज अ लीगल इंक्वायरीज, यानी कि इंक्वायरी करना, तहकीकात करना, और इन्वेस्टिगेशन टू असर्टेन द सर्कमस्टेंसेज एंड कॉज ऑफ डेथ। यानी कि अगर कहीं पे कोई डेथ हुई है, अगर वो डेथ सडन हुई है, कोई सस्पिशियस कोई केस हुई है, या अननेचुरल डेथ अगर कोई हुई है, तो उस केस में जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसको इंक्वेस्ट के नाम से जाना जाता है। अगर मैं एग्जांपल लूँ मैं, तो अगर मान लीजिए कि कोई एक बुजुर्ग आदमी था, वो काफ़ी लंबे दिनों से अपनी बुजुर्ग, अपनी ओल्ड एज की वजह से बीमार चल रहा था, तो वो उसका एक नेचुरल डेथ है। लेकिन अगर सपोज करिए कि एक 30 वर्ष का अगर कोई इंसान है, वो अचानक से उसकी डेड बॉडी मिलती है जिसपे सर पे घाव वगैरह है, तो ऐसे ये केस उसका सस्पिशियस वो कॉज करेगा, तो इस केस में जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसको इंक्वेस्ट बोला जाएगा। तो ये 4 टाइप के होते हैं, पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनर इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। तो भारत में जो है ये दो नहीं होते हैं,
सिर्फ पुलिस और मैजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होता है। कोरोनर पहले होता था, मैं थोड़ा आपको बता भी दूंगा इसके बारे में, मुंबई और कोलकाता जैसे शहर में पहले होता था, लेकिन अब ये चीज हट गई है थोड़ा यहाँ पे। चलिए पहले मैं ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ा आईपीसीज के बता देता हूँ। आईपीसीज का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड। ये जो डील करता है वो क्राइम और पनिशमेंट से डील करता है, क्राइम और पनिशमेंट। तो अगर कहीं पे भी क्राइम या पनिशमेंट होगा तो वहां पे आईपीसीज की धारा लगेंगी। और इंडियन सिस्टम में ये टोटल 511 सेक्शन हैं इसके टोटल। ऐसे अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं, अगर मैं सीआरपीसी की बात करूं तो ये प्रोसीजर की को डील करता है, प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल केस, प्रोसीजर ऑफ क्रिमिनल केस। सीआरपीसी होता है क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। ये भारत में टोटल 484 टोटल सीआरपीसी हैं। भारत के कानून में टोटल 484 सीआरपीसीज हैं। ऐसे अगर मैं बात करूं आईईए की, इंडियन एविडेंस एक्ट की, तो ये भारत में जो है टोटल 167 इसके सेक्शंस हैं। और ये डील करता है विटनेसेस और एविडेंस का, विटनेसेस और एविडेंस को ये डील करता है। तो चलिए ये जानने के बाद हम थोड़ा जानते हैं इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट में जैसे मैंने आपको बताया था चार टाइप के होते हैं, पुलिस इंक्वेस्ट, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट, कोरोनल इंक्वेस्ट और मेडिकल एग्जामिनर इंक्वेस्ट। ओनली पुलिस एंड मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट आर हेल्ड इन इंडिया। भारत में सिर्फ दो होती हैं, पुलिस और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। तो चलिए थोड़ा पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। द इंक्वेस्ट इज हेल्ड अंडर सेक्शन 174 ऑफ सीआरपीसी। ये सीआरपीसी इसलिए है क्योंकि जो क्रिमिनल केसेस जो हैं इसके बारे में ये डील करता है। तो इसलिए यहाँ पे जो सीआरपीसी, यहाँ पे सीआरपीसी वर्ड यूज हुआ है वो भी सेक्शन 174। जैसे मैंने आपको बताया था टोटल भारत के कानून में 484 सेक्शंस हैं टोटल सीआरपीसी से रिलेटेड। तो इसके अंदर क्या होता है, जो कंडक्ट करता है वो पुलिस ऑफिसर रैंक का होना चाहिए, नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर। इट इज कंडक्टेड बाय द पुलिस ऑफिसर यूजली नॉट बिलो द रैंक ऑफ पुलिस सब इंस्पेक्टर। तो ये लाइन भी आपको याद रखना पड़ेगा। द ऑफिसर कंडक्टिंग द इंक्वेस्ट इज कॉल्ड इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। जो तहकीकात करता है उसको इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बोला जाता है। ऑन रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम एनी सडन सस्पिशियस और अननेचुरल डेथ ऑफ एनी पर्सन द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर फॉरवर्ड द इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट एंड प्रोसीड टू द प्लेस वेयर द डेड बॉडी इज लाइंग। एट दैट प्लेस द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन प्रेजेंस ऑफ टू और मोर रिस्पॉन्सिबल पर्सन ऑफ द एरिया मेक एन इन्वेस्टिगेटिंग एंड एन प्रिपेयर अ रिपोर्ट कॉल्ड एज पंचनामा। अगर मैं इसके बारे में पूरा आपको समझाऊँ तो क्या होता है, अगर मान लीजिए जो पुलिस ऑफिसर है अगर उसको कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है तो वो तुरंत, अगर कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कोई सडन हुई है, सस्पिशियस हुई है और अननेचुरल डेथ हुई है, तो ऐसे केस में जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सबसे पहले तो अपने नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को वो बताएगा। मजिस्ट्रेट वो कोई भी हो सकता है, एसडीएम हो सकता है, डीएम हो सकता है, तो वो नियरेस्ट अपने मजिस्ट्रेट को बताएगा और फिर वो उस जगह पे चला जाएगा जहाँ पे डेड बॉडी पाई गई है। और फिर दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो होंगे जिनको पंचास बोला जाता है उनके प्रेजेंट में इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेशन करेगा। और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको जो जो वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन उसको मिली है उन सब की एक रिपोर्ट बनाएगा, उस रिपोर्ट को बोला जाता है पंचनामा। तो ये पुलिस जो ऑफिसर होता है उसके ये उसकी ड्यूटी है। द पंचनामा या फिर इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो होती है इंक्लूडेड डिस्क्रिप्शन ऑफ साइंस ऑफ क्राइम, अपरेंट कॉज ऑफ डेथ एंड प्रेजेंस ऑफ एनी इंजुरी ओवर बॉडी। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एंड द पंचास देन साइन द रिपोर्ट। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर देन फॉरवर्ड द डेड बॉडी टू द नियरेस्ट गवर्नमेंट डॉक्टर विद द रिक्विजिशन एंड कॉपी ऑफ इंक्वेस्ट रिपोर्ट। यानी कि इसका मतलब ये है कि जो पंचनामा जब वो तैयार करता है उसके अंदर वो हर चीज़ डिस्क्राइब करेगा कि उसके क्राइम सीन में उसने क्या क्या देखा, कॉज के बारे में, वो डेथ का कॉज अगर कुछ ढूंढता है, कुछ देखता है, कोई हथियार वगैरह देखता है तो वो सारी चीज़ें भी वो रिपोर्ट में मेंशन करेगा। और फिर उसका अगर वो बॉडी के ऊपर कोई इंजुरी है, कोई स्टैब इंजुरी है या कोई फायर आर्म या कोई गोली की इंजुरी कोई है तो उन सब चीज़ को भी वो अपने पंचनामा में लिखेगा और फिर वो पंचनामा में साइन करेगा। और जो दो रिस्पॉन्सिबल पर्सन जो हैं तो उनकी भी सिग्नेचर यहाँ पे होगी। फिर वो ये चीज़ जो नियरेस्ट का जो डॉक्टर होगा
वो उसको सौंप देगा ताकि पोस्टमार्टम किया जा सके। तो इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट जो लाइन है वो याद रखने वाली है 174 CRPC। क्वेश्चंस आते हैं कि पुलिस जो इंक्वेस्ट होती है वो कौन से सेक्शन में आता है, 174 IPC CRPC या फिर इंडियन एविडेंस एक्ट या फिर ऑल ऑफ दिस या क्या, तो ऐसे करके क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, तो CRPC इसका आंसर होगा। ऐसे में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट की बात करूं तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट थोड़ा सा हाई लेवल की चीज हो गई, मतलब कि अगर मैं बात करूं कि पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में, हालांकि मैंने एक आगे टेबल रखी हुई है यहाँ पे, मैं आपको हर चीज बता दूंगा। चलिए थोड़ा पहले मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ मैं, ये होता है 174 CRPC। तो अगर आपसे कभी फ्यूचर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट किस सेक्शन के अंदर आती है, कौन सी धारा के अंदर आती है, तो ये आपको बताना पड़ेगा 176 CRPC के अंदर आता है। तो मजिस्ट्रेट एम्पावर टू होल्ड इंक्वेस्ट आर, जैसे मैंने आपको बताया था, डीएम, एसडीएम यानी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और एनी अदर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट स्पेशली एम्पावर्ड इन दिस ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट गवर्नर ऑन गवर्नमेंट और द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। मतलब कि इस मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर या तो डीएम आएगा या फिर एसडीएम आएगा या फिर कोई भी एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट जो अगर होगा, जो भी जो कि अपॉइंट किया हुआ स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, वो ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कर सकता है। ये क्या होती है, थोड़ी सी सुपीरियर होती है, जैसे मैंने आपको बोली थी थोड़ी सी अबव होती है ये। इसके अंदर क्या क्या केसेस आते हैं, ये हर चीज़ को डील नहीं करता, जैसे जो पुलिस इंक्वेस्ट के बारे में मैंने जो बात की थी, जो कोई सस्पिशियस कोई केस आता है या कोई अननेचुरल डेथ आती है, ये उन चीज़ को नहीं करता है, ये उनसे थोड़ी अबव हाई लेवल की चीज़ है। इसके अंदर क्या क्या आता है, अगर मान लीजिए कोई जेल के अंदर किसी की डेथ होती है तो उस केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगा, अगर कोई पुलिस की कस्टडी के अंदर कोई डेथ होती है तो उस केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होगा, डेथ ड्यू टू पुलिस फायरिंग, अगर पुलिस की फायरिंग के द्वारा अगर किसी की डेथ होती तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर आता है। एग्जुमेशन क्या होता है, किसी डेड बॉडी को निकालना, यानी कि अगर मान लीजिए किसी डेड बॉडी को जमीन में गाड़ा जाता है, पूरे रीति रिवाज या जो भी लोग अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, अगर उसको निकाला जाता है तो उसको एग्जुमेशन बोला जाता है। डॉबरी डेथ होता है, डॉबरी डेथ के अंदर भी 7 साल से कम कि अगर किसी की डेथ हुई होती है तो न्यूली मैरिड की, तो उसके अंदर डाउरी डेथ आता है, और ये जो सेक्शन आता है वो आता है 304B IPC के अंदर। कोई मेंटल हॉस्पिटल के अंदर अगर किसी की डेथ होती है तो ये मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के केस के अंदर ये चीज आएगा। अगर मैं बात करूँ सिमिलरली, इन एनी केस ऑफ डेथ द मजिस्ट्रेट कैन कंडक्ट एन इंक्वेस्ट इंस्टेड ऑफ पुलिस इंक्वेस्ट और इन एडिशन टू द पुलिस इंक्वेस्ट, अगर कोई केस अगर ऐसा होता है तो वो इंक्वेस्ट मजिस्ट्रेट द्वारा होगा। जैसे मैं आपको बताया था कि मैं दोनों के बीच में डिफरेंस आपको बताऊंगा, तो पुलिस इंक्वेस्ट क्या होता है, डन बाय पुलिस, जैसे कि नाम यहाँ बता रहा है पुलिस इंक्वेस्ट, जो पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन होता है वो पुलिस द्वारा किया जाता है, वो भी सब इंस्पेक्टर की रैंक मिनिमम होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट मैंने आपको बताया था कंडक्टेड बाय द डीएम, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कौन कौन कर सकता है, डीएम, एसडीएम या फिर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। कांट होल्ड इंक्वेस्ट इन डेथ इन जेल, पुलिस कस्टडी ड्यू टू पुलिस फायरिंग या फिर डॉगरी डेथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर जेल में अगर किसी की डेथ होती है, पुलिस की कस्टडी में अगर होती है या फिर पुलिस की फायरिंग में होती है या फिर डॉगरी डेथ होती है, तो उस केस में मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट होती है। कैन होल्ड इंक्वेस्ट इन डेथ इन जेल, पुलिस कस्टडी ड्यू टू पुलिस फायरिंग और डॉगरी डेथ। इन्वेस्टिगेशन इज कंसिडर्ड इन्फीरियर टू द मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने आपको बताया था ये पुलिस इंक्वेस्ट जो है थोड़ी सी लोअर होती है मजिस्ट्रेट के लिए, क्योंकि मजिस्ट्रेट थोड़ी अपर क्लास हो गई, तो यहाँ पे सुपीरियर होती है पुलिस, ये मैं थोड़ा सा अच्छे से कर देता हूँ मैं, तो ये सुपीरियर होती है, हम लोग राइटिंग पैड पे लिखते हैं इसलिए राइटिंग थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी होती है यहाँ पे। अच्छा, कांट ऑर्डर ऑफ एग्जुमेशन, यानी कि जो डेड बॉडी को जो गाड़ दी जाती है उसको बाद दोबारा निकाल के एग्जामिनेशन करने का जो ऑर्डर होता है वो सिर्फ मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट के अंदर आता है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जैसे कोरोनर इंक्वेस्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि दो सिटीज में होता था ये, कोलकाता और मुंबई, लेकिन अब इसको भी एबॉलिश कर दिया गया, मतलब डिसकंटिन्यू कर दिया गया है, अब ये चीज़ नहीं होती। हाउ एवर इट वॉज एबॉलिश इन कोलकाता वे बैक एंड वॉज डिसकंटिन्यूड
ऑन 29 जुलाई 1999 इन मुंबई। कोलकाता में भी हटा दिया गया था, मुंबई के अंदर भी हटा दिया गया था। आपको इसके बारे में ज़्यादा नहीं जानना, बस इतना जानना है जो इसके अंदर जो ऑफिसर होता था वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट होता था, जो कि स्टेट गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया जाता था। ऐसे मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम जो होता है ये यूएसए और यूएसए जैसे देश में होता है। ये मेडिकल एग्जामिनर सिस्टम इज अ टाइप ऑफ इंक्वेस्ट प्रेवलेंट इन मोस्ट स्टेट ऑफ यूएसए। अमेरिका के अंदर ये चीज़ होती है, भारत में ये चीज़ नहीं होती है। तो भारत में क्या क्या चीज़ें होती हैं? पुलिस इंक्वेस्ट और मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट। भारत में क्या क्या चीज़ें नहीं होती? कोरोनर ऑफ ए मेडिकल एग्जामिनेशन सिस्टम, ये दो चीज़ें भारत में नहीं होती हैं। इन दिस टाइप ऑफ इंक्वेस्ट, दिस टाइप ऑफ इंक्वेस्ट इज डन बाई मेडिकल एग्जामिनर हु इज अ फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट। ऑल शॉर्ट ऑफ सडन एंड अननेचुरल एंड सस्पिशियस डेथ आर एनालाइज बाई मेडिकल एग्जामिनर। तो इसके अंदर पुलिस नहीं करती है, जो फॉरेंसिक पैथोलॉजिस्ट होते हैं, जो मेडिकल एग्जामिनर होते हैं, वो जो है सस्पिशियस डेथ को एनालाइज करते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। चलिए नेक्स्ट इस चैप्टर में आते हैं, कोर्ट जो कचहरी होती हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। दे आर टू टाइप ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ इन इंडिया एंड दे आर सिविल कोर्ट एंड क्रिमिनल कोर्ट। सिविल कोर्ट जो होती है वो दो पार्टीज के बीच के डिस्प्यूट को करती है, और क्रिमिनल कोर्ट जो होती हैं वो जो दो इसके अंदर एक गवर्नमेंट जो इशू होता है उसके अंदर भी ये आता है। क्रिमिनल कोर्ट डील विद क्रिमिनल केसेस एंड आर ऑफ फोर टाइप, चार टाइप के होते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट और मजिस्ट्रेट कोर्ट। और इसके अंदर जो होता है, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है सुप्रीम कोर्ट, उससे नीचे होता है हाई कोर्ट, उससे नीचे होता है सेशन कोर्ट और उससे नीचे होता है मजिस्ट्रेट कोर्ट। तो अगर मैं ये जैसे मैंने आपको बताया, सबसे टॉप पे तो जो होता है सुप्रीम कोर्ट, उसके नीचे होता है हाई कोर्ट, उसके नीचे होता है सेशन कोर्ट, उसके नीचे आता है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, उसके नीचे आता है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, उसके नीचे आता है सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट। तो ये इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में इसका नाम लिखा गया है। हालांकि इससे भी ऊंचा होता है प्रेसिडेंट, लेकिन प्रेसिडेंट की पावर थोड़ी अलग होती है, मैं आपको उसके बारे में भी आगे बता दूंगा। तो चलिए डिफरेंट कोर्ट्स के इम्प्रिजमेंट या फिर जो क्या क्या वो पनिशमेंट दे सकता है उसके बारे में जानते हैं। जो हाई कोर्ट होता है वो कोई भी पनिशमेंट दे सकता है जो कानून के अंदर लिखी हुई है। हाई कोर्ट का भी यही काम है, सेशन कोर्ट का भी यही काम है, जो एडिशनल सेशन जो जज होते हैं वो भी कोई भी पनिशमेंट दे सकते हैं जो कानून के अंदर लिखा हुआ है। अब आता है जो स्पेशल जो चीज़ें होती हैं, जैसे जो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो क्या कर सकता है, वो सिर्फ 7 साल की सजा या फिर अनलिमिटेड फाइन दे सकता है। जो फर्स्ट क्लास का जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है वो सिर्फ 3 साल तक का सजा दे सकता है, और जो फाइन होता है वो सिर्फ 5,000 से ज़्यादा का फाइन वो वसूल नहीं कर सकता है। किसी को भी जो जो फाइन होता है वो 5,000 से ज़्यादा वो नहीं ले सकता है। जो सेकंड क्लास का जो मजिस्ट्रेट होता है उसका उसके हाथ में जो पावर होती है वो सिर्फ 1 साल तक के लिए होती है, वो 1 साल तक के लिए किसी को जेल भेज सकता है, और जो जो फाइन होता है वो फाइन 1,000 रुपये से ज़्यादा का फाइन नहीं ले सकता है। तो इसके अंदर एक ध्यान रखना पड़ेगा, डेथ सेंटेंस सेंटेंस पास बाई सेशन कोर्ट मस्ट बी कन्फर्म बाई हायर कोर्ट। यानी कि अगर मान लीजिए जो सेशन कोर्ट होते हैं, अगर वो डेथ डेथ सेंटेंस सेंटेंस देते हैं यानी कि फांसी की सजा वो देते हैं, तो जो हायर जो कोर्ट है उससे उसको कन्फर्म करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने आपको चार टाइप की कोर्ट बताई थी, उसके अलावा भी दो टाइप के कोर्ट होते हैं, स्पेशल कोर्ट और जुवेनाइल कोर्ट। स्पेशल कोर्ट के अंदर जैसे महिला कोर्ट, जो कि स्पेशली ऑफेंस अगर कोई महिला के ऊपर हुआ होता है उसके लिए होता है, SC ST एक्ट के लिए अगर होता है उसके लिए भी एक अलग से कोर्ट बनी हुई है, कोई नारकोटिक्स के लिए अगर कोई चीज़ होती है तो उसके लिए भी अलग कोर्ट है, टेररिज्म के लिए एक अलग कोर्ट है, और क्या कहते हैं महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट, इसके अंदर भी एक कोर्ट आती है। तो ऐसे अगर मैं जूनियर कोर्ट की अगर बात करूँ तो जूनियर होते हैं छोटे बच्चे, केयर एंड प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड इसका काम होता है। अब मैं ऑफेंसेस के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। ऑफेंस दो टाइप के होते हैं, कॉग्निजिबल एंड नॉन कॉग्निजिबल। ऑफेंस होता है कोई गुनाह करना, तो गुनाह दो टाइप के होते हैं, एक होता है बहुत ही भयंकर गुनाह जिसको बोलते हैं कॉग्निजिबल, एक होता है थोड़ा कम गुनाह तो नॉन कॉग्निजिबल।
अगर मैं कॉग्निजेबल यानी कि जो हीनियस सीवियरिटी अगर मैं उस सब की बात करूं, तो कॉग्निजेबल ऑफेंस रिफर्स टू ऑफेंस इन विच अ पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट फ्रॉम द मजिस्ट्रेट। यानी कि वो ऐसा किसी ने गुनाह किया होगा जो थोड़ा सा सीवियर होता है, हीनियस होता है, उस केस में ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है, और उसके लिए पुलिस ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होता है उसको किसी भी वारंट या अरेस्ट वारंट के लिए अपर जो क्लास होती है यानी मजिस्ट्रेट जो होती है उससे कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं होती, वो सीधा जाके अरेस्ट कर सकते हैं। तो इसके जो एग्जाम्पल वो है रेप, मर्डर, डॉवरी डेथ और रैगिंग, इन सब के केस में कोई भी अरेस्ट वारंट नहीं चाहिए, ये थोड़ा सीवियर क्राइम है, ये हीनियस क्राइम है, तो इस केस में जो है ये कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंदर आता है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस जो होता है, फॉर अरेस्ट ऑफ अ पर्सन अ वारंट फ्रॉम मजिस्ट्रेट इज नेसेसरी विदाउट विच अ पर्सन पुलिस ऑफिसर कांट अरेस्ट अ पर्सन। जो चलिए केसेस के बारे में जानते हैं, दो टाइप के केस होते हैं, क्रिमिनल केस और सिविल केस। क्रिमिनल केस क्या होते हैं, आर रिलेटेड विद कमीशन ऑफ क्राइम एंड द ट्राइड इन क्रिमिनल कोर्ट। द केसेस मे बी ऑफ फॉलोइंग टाइप, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल, इसके अंदर भी दो तीन चार टाइप के होते हैं, कॉग्निजेबल, नॉन कॉग्निजेबल, वॉरेंट केस, समन केस। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि कॉग्निजेबल केस जो है रिलेट कर सकते हैं हम कॉग्निजेबल ऑफेंस का, ऐसे ये कर सकते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस का। वॉरेंट केस की किसकी तरह होता है, द ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 ईयर्स आर ट्रीटेड एज वॉरेंट केस। समन होता है किसी को बुलाना, दीज आर द केसेस विच आर नॉट वॉरेंट केस। इन समन केस द पनिशमेंट फॉर ऑफेंस डू नॉट एक्सीड मोर देन 2 ईयर्स। ऐसे ही जो सिविल जो केस होता है, दीज आर द केसेस रिलेटेड विद डिस्प्यूट बिटवीन टू इंडिविजुअल और पार्टीज। जैसे मैंने आपको इससे पहले स्लाइड में बताया था, सिविल केसेस क्या होते हैं, दो पार्टीज के बीच में होते हैं, और जो क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो गवर्नमेंट के बीच में होता है। दीज केसेस आर नॉट रिलेटेड टू ऑफेंस और क्राइम। द इंडिविजुअल हु लॉज द कंप्लेन इज कॉल्ड कंप्लेन एंड द अदर इंडिविजुअल इज नोन एज रिस्पॉन्डेंट। तो चलिए जैसे मैंने समन के बारे में बताया था, अभी फिर से यहाँ पे डेफिनेशन जान लेते हैं। समन होता है किसी को बुलाना, टू समन अ पर्सन मतलब कि किसी को बुलाना। अच्छा, समन का था, अ समन इज अ रिटन कंपाइलिंग द अटेंडेंस ऑफ द विटनेसेस इन द कोर्ट ऑफ लॉ एट अ स्पेसिफिक प्लेस एंड टाइम फॉर द स्पेसिफिक पर्सन इन द पेनल्टी। यानी कि अगर किसी को हम बुलाते हैं तो उसको समन बुलाया था, ये एक तरीके का डॉक्यूमेंट होता है। ये दो टाइप के होते हैं, सपोनियल एट टेस्टिफिकेंडम और होता है सपोनियम ड्यूसे टेकम। एट टेस्टिफिकेंडम होता है, इट इज अ टाइप ऑफ समन वेयर अ पर्सन इज डायरेक्टेड टू अपियर पर्सनली बिफोर कोर्ट टू गिव एविडेंस। यानी कि जो आम अगर कोई मान लीजिए किसी इंसान को गवाह देने के लिए बुलाया गया है तो अपनी गवाही पेश करेगा, तो उसको बोला जाता है एट टेस्टिफिकेंडम। अच्छा, सब सपोनियम ड्यूसे टेकम क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ समन सर्व टू विटनेस ओनली टू सबमिट अ डॉक्यूमेंट। इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो एक्सपर्ट विटनेसेस इसके अंदर एग्जाम्पल आते हैं, ये अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं यहाँ पे, तो इसका जो एग्जाम्पल होता है वो होता है एक्सपर्ट एक्सपर्ट विटनेस। कंडक्ट मनी के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। कंडक्ट मनी होता है कि अगर कोई सिविल केस है यानी कि दो पार्टीज के बीच में अगर कोई केस चल रहा है, तो उस केस में जो है अगर विटनेस को अगर बुलाया जाता है तो उसका जो एक्सपेंसेस होगा, उसका जो खर्चा होगा, उसको कंडक्ट मनी बोला जाता है। ये सिविल के केस में ही होता है, ये क्रिमिनल केस में नहीं होता है, ये मैं आगे बता दे दूंगा, तब तक थोड़ा ये जान लेते हैं। इट इज अ मनी गिवन और पेड टू अ विटनेस इन अ सिविल केस टू मीट द एक्सपेंसेस टुवर्ड द अटेंडिंग द कोर्ट। कोर्ट की कार्रवाई जो होती है, कचहरी में जो कार्रवाई होती है, तो उसके लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं तो वो चीज दिया जाता है सिविल केस के अंदर। इन सिविल केस कंडक्ट मनी इज पेड टू द डॉक्टर एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन। अगर मान लीजिए सिविल केस में अगर समन आया है डॉक्टर को, तो डॉक्टर को कंडक्ट मनी दिया जाएगा। इफ द मनी इज नॉट पेड और द डॉक्टर फील दैट द सम पेड इज इनएडिक्वेट, ही कैन इन्फॉर्म द जज अकॉर्डिंगली, देन द जज विल डिसाइड रिगार्डिंग द अमाउंट टू बी पेड। अगर मान लीजिए डॉक्टर उस केस
पेड मनी से अगर सेटिस्फाइड नहीं है तो वो जज को इन्फॉर्म कर सकता है, फिर जज डिसाइड करेगा कि कितना अमाउंट देना चाहिए। ये क्रिमिनल केस में क्यों नहीं किया जाता बताता हूँ। इन क्रिमिनल केस नो सच मनी इज पेड टू द विटनेस एट द टाइम ऑफ सर्विंग द समन, द विटनेस मस्ट अटेंड द कोर्ट बिकॉज एवरी सिटीजन, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एवरी सिटीजन इज ड्यूटी बाउंड टू अटेंड द कोर्ट वेन एवर समन। हाउएवर कन्वीनियंस चार्ज एंड डेली अलाउंसेस इज पेड टू द डॉक्टर अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग गवर्नमेंट रूल। इसका मतलब ये है, हर नागरिक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो देश में जो है ये मर्डर वगैरह केस में सहायता करे, इसलिए क्रिमिनल केस में ये चीज कंडक्ट मनी नहीं दी जाती है, लेकिन अलाउंस दे दिया जा सकता है, जैसे आने जाने का उसका भाड़ा ये दिया जा सकता है। एविडेंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एविडेंस क्या होता है? एविडेंस होता है सबूत पेश करना। तो अगर मैं यहाँ पे इसकी जो कानूनी डेफिनेशन जो है ये मैं बताया था, ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय अ विटनेस इन रिलेशन टू मैटर ऑफ द फैक्ट अंडर इंक्वायरी। ये दो टाइप के होते हैं, मेडिकल एविडेंस इज ऑफ फॉलोइंग टाइप, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस और ओरल एविडेंस, या तो लिखित में या फिर मुंह जबानी। जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होता है, इट कंप्राइजेस ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड बिफोर द कोर्ट एंड इंक्लूड मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल लीगल रिपोर्ट और डाइंग डिक्लेरेशन। डाइंग डिक्लेरेशन के बारे में आगे मैं आपको बता दूंगा। जब इंसान कभी मर रहा होता है तो वो जो वर्बली जो देता है, जो रिटर्न में भी अगर वो देता है, तो इसको डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के तौर पे बोला जा सकता है। तो डाइंग डिक्लेरेशन और डाइंग डिपोजिशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बताया था। डाइंग डिक्लेरेशन होता है कि जब इंसान मर रहा होता है उस टाइम पे जब वो गवाही देता है, तो ये माना जाता है कि वो उस टाइम पे सच ही बोलेगा, इसलिए यहाँ पे कोई भी ओथ नहीं दी जाती है। नो ओथ इज एडमिनिस्ट्रेट इन फेयर टू डाइंग डिक्लेरेशन, ये मैं आगे बताता हूँ। मैं रिकॉर्डेड बाई मजिस्ट्रेट और डॉक्टर और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। डाइंग डिक्लेरेशन क्या होता है, एक पे स्टोरी अगर मैं आपको समझाऊं तो, अगर मान लीजिए कोई इंसान अगर मर रहा होता है, अगर मान लीजिए वो रोड एक्सीडेंट अगर हुआ उसके और लोगों ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया, या वो जब वो हॉस्पिटल जा रहा होता है तो उस केस में जो कोई पर्सन जो उसको लेके जा रहा होता है, अगर उसको मरने वाला इंसान अगर उसको कोई गवाही देता है कि इस बंदे ने ऐसा ऐसा किया, उस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ, या जब वो जब हॉस्पिटल पहुंच गया है वहाँ पे डॉक्टर इसका इलाज कर रहे होते, तब अगर वो मरने की हालत में अगर कोई कुछ बताता है, एविडेंस देता है या कुछ बताता है, तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन बोला जाता है। इसके अंदर ओथ इसलिए नहीं होती क्योंकि जो मरने वाला जो इंसान होता है, ये अज्यूम किया जाता है कि उस टाइम पे सच ही बोल रहा होगा। एक्यूज्ड और हिज लॉयर इज नॉट नेसेसरी वाइल रिकॉर्डिंग अ स्टेटमेंट। जरूरी नहीं कि वहाँ पे उसका जो लॉयर हो वहाँ पे प्रेजेंट ही हो, कोई भी वहाँ पे स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकता है, डॉक्टर या फिर इन्वेस्टिगेटिंग जो ऑफिसर है वो भी रिकॉर्ड कर सकता है। इसके लिए कोई भी एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं किया जाता है। हैज़ कोरोबरेशन वैल्यू इफ पेशेंट सर्वाइव, मतलब कि अगर पेशेंट सर्वाइव कर जाता है तो इसका कोई वैल्यू नहीं रहता है, उसको फिर वापस कोर्ट में आके गवाही देनी पड़ेगी। डाइंग डिपोजिशन के बारे में थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ। डाइंग डिपोजिशन हमेशा ही रिकॉर्ड होगा मजिस्ट्रेट के सामने, यहाँ पे ओथ लेना पड़ेगा, और ये डाइंग डिक्लेरेशन से सुपीरियर है क्योंकि इसके लिए ओथ लिया जा रहा है और मजिस्ट्रेट के सामने लिया जा रहा है, इसलिए ये सुपीरियर है, ज़्यादा बेटर है ये। स्टेटमेंट इज ऑलवेज रिकॉर्डेड इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज एंड हिज लॉयर, एक्यूज और लॉयर के सामने हमेशा स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा, और क्रॉस एग्जामिनेशन यहाँ पे किया जा सकता है। रिटेन फुल लीगल वैल्यू इवन इफ द पर्सन सर्वाइव्स, तो अगर मान लीजिए पर्सन सर्वाइव भी करता है तो भी जो भी उसने कहा होगा उन सब का पूरा लीगल वैल्यू उसका होगा। विटनेस की भी यहाँ पे बात करता हूँ। विटनेस जो होता है, जो जिसने देखा होगा वो उस टाइम का जो इंसिडेंट हुआ होता है, उसको विटनेस बोला जाता है। तो एनी पर्सन कैन टेस्टिफाई एज विटनेस और गिव एविडेंस इन द कोर्ट इफ द सेट विटनेस इज एबल टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ द क्वेश्चन पुट टू हिम और इज एबल टू गिव रेशनल आंसर टू द क्वेश्चन आस्क्ड। अगर केस से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन के बारे में उसको जानकारी होगी तो उसको विटनेस बोला जाता है। दो टाइप के होते हैं, कॉमन और एक्सपर्ट। कॉमन विटनेस क्या होते हैं? कॉमन विटनेस इज वन हु टेस्टिफाइड और गिव एविडेंस टू द फैक्ट ऑब्जर्व और हियर और परसीव बाई हिम, मतलब उसने अगर कोई देखा है या सुना है या सॉरी ऑब्जर्व किया है या देखा है, तो वो कॉमन विटनेस के अंदर आएगा। कॉमन विटनेस
विटनेस कान ड्रॉ इंटरफेरेंस और फॉर्म ओपिनियन। कॉमन विटनेस के जो उसने जो गवाही दी होगी उसके बेस पे उतना ज़्यादा इन्फेरेंस या फिर ओपिनियन नहीं दिया जाता है। जो किया जाता है वो एक्सपर्ट विटनेस के केस में किया जाता है। एक्सपर्ट विटनेस वो होते हैं जो अपनी फील्ड में प्रॉपर ट्रेनिंग लेके, अगर वो कोई जॉब कर रहे हैं या ट्रेनिंग कर रहे हैं तो वो चीज़ एक्सपर्ट विटनेस के अंदर आता है। तो जैसे मैं बता दूँ, एन एक्सपर्ट विटनेस इज अ पर्सन हु बाय वर्च्यू ऑफ हिज प्रोफेशनल ट्रेनिंग इज कैपेबल ऑफ फॉर्मिंग ओपिनियन और ड्रॉ कंक्लूजन फ्रॉम द फैक्ट ऑब्जर्व बाय हिम और नोटिस बाय अदर। तो जो डॉक्टर्स हैं वो एक्सपर्ट विटनेस और कॉमन विटनेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। हैंड राइटिंग एक्सपर्ट, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट, बैलेस्टिंग यानी कि फायर आर्म एक्सपर्ट और केमिकल एनालाइजर, ये सारे एक्सपर्ट विटनेस के अंदर आते हैं। हॉस्टाइल विटनेस वो होते हैं जो बार बार अपनी गवाही को बार बार बदलते हैं, तो उसको हॉस्टाइल विटनेस बोला जाता है। अगर कोई बार बार गवाही बदल रहा है तो उसको ये जो है ये डेथ के अंदर सॉरी ये जो है एक तरीके से गलत होता है। इसकी जो जो इंडियन एविडेंस एक्ट 154 के तहत ये आएगा। परजरी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ मैं। परजरी मीन्स विलफुल अटेंस ऑफ फॉल्सहुड और बाय अ विटनेस अंडर ओथ, यानी कि कोई अगर गलत सबूत दे रहा है या गलत बोल रहा है ओथ लेने के बावजूद, तो उसको परजरी के नाम से वर्ड दिया जाता है। इट इज़ अ फॉल्स एविडेंस टेंडर बाय विटनेस एंड ही फेल टू टेल व्हाट ही नोज और बिलीव टू बी ट्रू। ये सेक्शन 191 आईपीसी के अंदर आता है। द विटनेस इज लाइबल टू बी प्रोसिक्यूटेड फॉर परजरी अंडर सेक्शन 193 आईपीसी, यानी कि 191 आईपीसी के अंदर डेफिनेशन दी गई है और 193 के अंदर उसके लिए पनिशमेंट दी गई है। तो जो प्रोसीजर है एविडेंस रिकॉर्ड करने का वो बता देता हूँ। सबसे पहले गवाही के लिए जब इंसान आता है कटघरे में तो सबसे पहले ओथ दिया जाता है, फिर एग्जामिनेशन इन चीफ उससे क्वेश्चन पूछेगा, फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, इसके लिए लीडिंग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, फिर उसके बाद री एग्जामिनेशन होता है। तो इसके बारे में फिर से बता देता हूँ मैं आपको। जो एग्जामिनेशन इन चीफ जो होता है ये क्या होता है, इट इज कैरी आउट बाय द काउंसिल या फिर लॉयर ऑफ द पार्टी हु कॉल्ड द विटनेस। जिसने विटनेस को बुलाया होता है वो इससे क्वेश्चन करता है। सेक्शन 137 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर बुलाया जाता है। इन गवर्नमेंट प्रोसिक्यूशन केस सेज फॉर एग्जाम्पल इन मर्डर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर फर्स्ट एग्जामिन द डॉक्टर टू एलिसिट द फाइंडिंग ऑफ केस अंडर इंक्वायरी। नो लीडिंग क्वेश्चन आर अलाउड इन दिस पार्ट ऑफ द एग्जामिनेशन। अगर मैं इसका एक एग्जाम्पल लूँ तो अगर जैसे मान लीजिए, हे डॉक्टर वॉज द इंक्वायरी कॉज बाय शार्प कटिंग वेपन, तो ये इसमें यस नो का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जा सकते। क्वेश्चन कैसे पूछा फ्रेम कैसे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है ऐसे, डॉक्टर व्हाट वेपन कुड कॉज दिस इंजुरी, यानी कि डॉक्टर कौन से वेपन ने इसको जो घाव है पहुंचाया होगा, तो ये यस नो का आंसर नहीं है। तो इसके अंदर जो है प्रॉपर डॉक्टर को बताना पड़ेगा कि जो वेपन है वो क्या यूज़ किया गया था, नाइफ यूज़ किया गया था या जो है बंदूक यूज़ की गई थी या क्या वेपन यूज़ किया गया था। तो यस नो का क्वेश्चन इसके अंदर नहीं पूछा जा सकता है। यस नो का क्वेश्चन किसमें पूछा जा सकता है, क्रॉस एग्जामिनेशन में। इन दिस पार्ट ऑफ एग्जामिनेशन द लॉयर फॉर द अपोजिशन पार्टी क्वेश्चन द विटनेस। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एग्जामिनेशन आर टू एलिसिट फैक्ट फेवर टू हिज केस, टू टेस्ट द एक्यूरेसी ऑफ द स्टेटमेंट मेड बाय द विटनेस, टू मॉडिफाई और एक्सप्लेन वॉट हैज बीन सेड, टू डिसक्रेडिट द विटनेस। लीडिंग क्वेश्चन आर परमिटेड ड्यूरिंग क्वेश्चन क्रॉस एग्जामिनेशन। ये सेक्शन 143 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर आता है। फिर लास्ट में जैसे मैंने बताया था री एग्जामिनेशन, इसके अंदर दोबारा एग्जामिनेशन होगा और इसके अंदर लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड। लीडिंग क्वेश्चंस आर नॉट अलाउड इन री एग्जामिनेशन। नो न्यू थिंग्स और न्यू ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट मे बी इंट्रोड्यूस बाय द विटनेस विदाउट द कंसेंट ऑफ द जज और द डिफेंस काउंसिल। अंडर सेक्शन 311 सीआरपीसी द कोर्ट इज एम्पावर्ड टू रिकॉल री एग्जामिन एनी विटनेस ऑलरेडी एग्जामिन इफ हिज एविडेंस अपियर टू बी एसेंशियल टू द जस्ट जस्ट डिसाइड डिसीजन टू द कोर्ट। यानी कि वो फिर से
विटनेस को बुला सकता है अपनी डिसीजन लेने के लिए। अच्छा, कोर्ट के अंदर जो पावर है वो क्या है, वो कभी भी जज क्वेश्चन कर सकता है। कोर्ट क्वेश्चंस द जज और द प्रिसीडिंग ऑफिसर ऑफ द कोर्ट में पुट द क्वेश्चन टू विटनेस ड्यूरिंग एनी स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन टू क्लियर अप एनी डाउटफुल पॉइंट। तो जैसे लीडिंग क्वेश्चन है या कोई न्यू थिंग्स है, ऐसा जज या फिर जो ऑफिसर है प्रोसीडिंग जो हो है उसके सामने ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं, वो जब चाहे जैसा चाहे क्वेश्चन विटनेस के सामने रख सकता है। ये जज की पावर होती है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में यहीं पे खत्म करता हूँ। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसी चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। तो एंड करने से पहले ये मैं आपको बता दूँ, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। इसका मतलब ये है, अगर आपने ड्रीम किया है नीट पीजी का, अगर आपने ड्रीम किया है तो यू कैन डू इट। आप अगर हिम्मत रखिए, उस हिसाब से मेहनत करिए, तैयारी करिए, तो पक्का आपका सपना सच होगा। इसलिए ये कहा जाता है, सपने देखने वालों के जो सपने होते हैं वो कभी भी चकनाचूर नहीं होते हैं, बस उनको उस हिसाब से मेहनत करनी पड़ेगी। वीडियो एंड करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, हमारा जो चैनल है अनअकैडमी का लेट्स राइट नीट पीजी, उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ताकि आपको हमारी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको आता रहे, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो हमारा मिस ना हो। तो भूलिएगा नहीं, मेरा जो कोड है वो है LIVEDRAM। अगर आप ये कोड यूज़ करते हैं सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, तो आपको तुरंत 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, 24 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन चार्जेस हैं वो 30,000 है, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हैं तो आपको 30,000 नहीं देना है, आपको सिर्फ 27,000 देना रहेगा। तुरंत 10% का डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। 2 साल के लिए बहुत ही नॉमिनल चार्जेस ये हैं। तो थैंक यू गाइस, नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा। थैंक यू।